तब सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की। आज सीएम भूपेश बघेल कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। रायपुर से वो शिवरी नारायण चंद्रपुरी के लिए रवाना होंगे। दूधाधारी मठ में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शिवरी नारायण में विकास कार्यों की वो सौगात देने वाले हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल आज करने वाले हैं। राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के समापन में वो शामिल होंगे। तो आज सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ में रामनवमी मनाई जाएगी। शिवरी नारायण चंदपुरी और दूधाधारी मठ में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। तो शिवरी नारायण में विकास कार्यों की सौगात आज सीएम भूपेश बघेल देंगे। राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल के हाथों होगा। राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के समापन में भी सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। आज सीएम भूपेश बघेल कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। शिवरी नारायण चंदपुरी और दूधाधारी मठ में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। एक बड़े स्तर पर रामनवमी छत्तीसगढ़ में मनाई जाएगी और तमाम विकास कार्यों की सौगात सीएम भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे। टूरिज्म के लिहाज से रामवन गमन पथ काफी इम्पोर्टेंट, जिसका लोकार्पण आज होने वाला है। राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। तो शिवरी नारायण में रामवन गमन पथ का लोकार्पण होगा। सीएम भूपेश बघेल इसका लोकार्पण आज करने वाले हैं। अब सीधे आपको लिए चलते हैं शिवरी नारायण। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उमेश, शिवरी नारायण आज खास तौर पर विशेष रूप से सजाया गया होगा, क्योंकि रामनवमी का अवसर है और तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण यहां सीएम भूपेश भी करने वाले हैं। आज क्या कुछ होगा आज वहां, चलिए कोशिश करेंगे हम दोबारा उनसे संपर्क करें। शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि शिवरी नारायण इसलिए भी खास क्योंकि शबरी के राम यहाँ पर कहे जाते हैं। शबरी ने जहाँ पर बेर चक्कर भगवान राम को खिलाए थे, यही जगह है शिवरी नारायण, और इसीलिए शबरी के राम के नाम से भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और आज कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचकर करने वाले हैं। राम वन गमन पथ जो पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और शिवरी नारायण में कहा जाता है कि भगवान राम आज भी वास करते हैं। एक बार फिर हम लोग करेंगे सहयोगी उमेश का, शिवरी नारायण से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास आज यहाँ होने वाला है। देखिए, आज रामवन गमन पथ योजना के तहत शिवरी नारायण में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ के जुड़ा उद्धार किया गया है। यहाँ के मंदिर को भव्य और सुंदर आकर्षक बनाया गया है। यहाँ पर जो यही वजह है कि आज यहाँ पर 3 दिवसीय मानस प्रतियोगिता, राज्य मानस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका आज समापन किया जाना है। रामनवमी के इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो यहाँ पर 4 बजे खरौद आएंगे। यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर में सबसे पहले वहां पर आकर पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद वो सीधे शिवरी नारायण जो भव्य मंदिर का स्वरूप, जो विशाल मंदिर को भव्य स्वरूप दिया गया है, उसकी यहां पर लोकार्पण और करोड़ों रुपए की सौगात यहां पर देने वाले हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बिला जो शिवरी नारायण का जो इलाका है वो वहां पर मौजूद हूँ। ये महानदी के तट पर विराजमान जो है, ये जो प्रतिमाएं आपको दिख रही है, ये भगवान राम लक्ष्मण और शबरी माता की प्रतिमाएं दिख रही है। चूंकि शिवरी नारायण, शिवरी और नारायण ये दोनों नामों को जोड़कर बनाया गया है। शिवरी माने शबरी को, माता शबरी का नाम है, और नारायण मतलब भगवान राम, तो ये दोनों स्वरूपों को यहाँ पर विराजमान किया गया है। यही वजह है कि यहाँ पर बीते 3 दिनों से भव्य आयोजन कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। यहाँ पर अलग अलग झांकियाँ दिखाई जा रही है, यहाँ पर अलग अलग जो मानस मंडलियाँ हैं वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, और यहाँ पर प्रतियोगिताएं जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार कराई रही, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख और तृतीय पुरस्कार जो है वो 2 लाख रुपए है। आज इसका भव्य समापन किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर करोड़ों के जो विकास कार्य हुए हैं उनको लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यही वजह है कि अभी से यहाँ पर सुबह से लोगों की जो यहाँ पर तैयारी है वो दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा डोम यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो मानस
मंडली है वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो कल यहाँ पर पार्श्व गायिका जो है वो यहाँ पर आई हुई थी अनुराधा पोटवाल, इसके बाद आज जो है अनूप जलोटा जी जो वो यहाँ पर आज अपनी प्रस्तुति देंगे। तो पूरी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो लोगों के आने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, मीडिया के लिए अलग से जो आरक्षित की गई है, तो जगह आरक्षित की गई है, तो इस तरीके से जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही है। और 4 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब यहाँ पर आएंगे और इन जो कार्यक्रम में शामिल होंगे तो इसकी भव्यता और भी खास नजर आने वाली है। फिलहाल आज नवमी है और भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लिहाजा उस दृष्टि से अगर हम सूर्य नारायण की बात करें तो सूर्य नारायण पौराणिक कथाओं में बहुत उल्लेखनीय रहा है। यहाँ पर भगवान राम के आगमन की कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर वनवास के दौरान अगर भगवान राम ने कहीं बिताया है तो 10 वर्ष जो है वो खूबसूरत तस्वीरें आज शिवरी नारायण से निकलकर सामने आने वाली हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन तमाम